गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गुडविल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में उसका कैसे यूज करना है, क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। ऑल्दो हम लोग को जानकारी है कि गुडविल क्या होता है, लास्ट चैप्टर में आपने गुडविल के बारे में देखा ही था, समझा था। तो अगर हम बात करें तो गुडविल क्या है, अगर आपसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज द गुडविल, तो गुडविल क्या है, आपको आइडिया है पहले से, मैंने आपको बताया हुआ था कि गुडविल क्या होता है, राइट? हाँ जी, व्हाट इज द गुडविल? तो गुडविल इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ रेपुटेशन, राइट? गुडविल कुछ और नहीं है, गुडविल हमारा बिजनेस का रेपुटेशन है, ठीक है जी। चलिए स्लाइड्स को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाया हुआ है, पावर पॉइंट स्लाइड आपको दिखना शुरू हुआ, यस और नो थोड़ा सा जवाब दे दीजिए ताकि स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आपके पास अगर गुडविल की हम बात करें जो इस चैप्टर में आपको देखना है, समझना है, तो गुडविल कुछ और नहीं होता है, गुडविल आपका जस्ट बिजनेस का रेपुटेशन है। तो अभी हम केवल मेन फोकस करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट, वो भी इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको हम देखने समझने का कोशिश करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे है, अगर हम बात करें गुडविल, तो गुडविल क्या है, आपका बिजनेस का रेपुटेशन है और कुछ नहीं है। आपके स्क्रीन पे अगर दिख भी रहा है, एक है पिज्जा, अगर खाना आपको चाहते हो तो डोमिनोज का पिज्जा खाओगे या लोकल वाला खाओगे, क्या खाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बात है, सारे लोग ब्रांडेड पे ही जाते हैं, डोमिनोज का पिज्जा अच्छा होता है। तो ये डोमिनोज का पिज्जा आपने पसंद जो किया, ये डोमिनोज के लिए क्या है, वो रेपुटेशन है, उससे उसका सेल्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, राइट? तो ये सीन अपने पास रहता है। तो गुडविल अगर हम बात करें तो गुडविल कुछ और नहीं होता है, गुडविल इज जस्ट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये गुडविल का कॉन्सेप्ट हमने PSR के चैप्टर में भी किया था, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, राइट? चलिए, तो इसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको जो देखना है। अब गुडविल में पिछले चैप्टर में भी आपको बताया गया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक है गुडविल अगर आपने गुडविल को खरीदा है पैसे देके, और दूसरा आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन या रिटायरमेंट कर दिए, यानी कि PSR वाले चैप्टर में भी ये डायग्राम हमने देखा हुआ था, यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी अपना फोकस कहाँ पे रहेगा, एडमिशन पे, क्या ट्रीटमेंट करना होता है। अगर आप परचेज करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, उस केस में तो आप इसकी जर्नल एंट्री बुक्स में करोगे, लेकिन क्या एडमिशन और PSR या रिटायरमेंट डेट के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी रिकमेंडेशन है, ICAI का भी रिकमेंडेशन है कि गुडविल को आप बुक्स में नहीं लिखेंगे, यानी कि कैन नॉट रेज इन बुक्स, आपको बुक्स में इसको एंटर्ड नहीं करना है। तो कैसे करना है, तो केवल एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो पिछले लेक्चर चैप्टर में भी हमने देखा था कि कैसे एडजस्टमेंट होता है, उसको देखने का समझने का कोशिश करेंगे, राइट? अब थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट है PSR से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, क्योंकि PSR में पुराने ही पार्टनर में केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था, यानी कि पहले से अगर दो पार्टनर थे तो फिर नए पार्टनर भी दो ही रहते थे। लेकिन इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन के केस में हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग कितने भी पार्टनर हैं, उसमें से कुछ लोग एंटर्ड करेंगे, एक या दो लोग। लेट सपोज दैट पहले ABC पार्टनर थे और एक मिस्टर डी एंटर्ड हो रहा है, तो डी जब एंटर्ड हो रहा है तो पुराना जो हमारा बिजनेस है उसमें वो आके पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या वो कैपिटल लेके नहीं आएगा? और दूसरा, क्या वो हमारे बिजनेस में जो हमने नाम कमाया है, एग्जाम्पल के लिए हमने डोमिनोज का ही लिया हुआ है, क्या डोमिनोज ने जो नाम कमाया है और किसी और बंदे को आप जाते हो वहां पे पार्टनर बनने, तो ऐसे ही बना देगा या वो गुडविल का पैसा भी लेगा, बोलेगा कि हम तो इतने साल से मेहनत किए हैं,
उसका फल तो हमको मिलना चाहिए। तो डिफरेंट सिनेरियो आएगा अपने पास, डिफरेंट सिचुएशंस आएगा। आप हेडिंग देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे। हम लोग के केस में 5 केसेस है, उसको वन बाय वन हम दिखाने का कोशिश करते हैं आपको। ऑलरेडी ये नोट्स आपको शेयर किया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में। केस नंबर 1, पहला केस है, वो कहता है कि व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पे हिज शेयर ऑफ फर्म गुडविल प्राइवेटली। क्या मतलब निकल के आया इसका? प्राइवेटली का मतलब क्या है? मान लेते हैं एबीसी पार्टनर है, ध्यान से, एबीसी पार्टनर है और मिस्टर डी एंटर्ड हो रहा है, और डी है जो जाके ए और बी और सी को प्राइवेटली जाके पर्सनली उनको जाके पैसे दे आता है, ये लो भैया 5 लाख 5 लाख 5 लाख हमको एंटर्ड कर लो। अब ऑल दो ये पैसा फॉर्म में आया नहीं, तो क्या फॉर्म के बुक्स में एंट्री होगा? सोच के बताइए आप ही। ऑब्वियसली नॉट राइट। तो अगर केस नंबर 1 आपके क्वेश्चन में आएगा गुडविल में कि व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पे हिज शेयर्स ऑफ फॉर्म गुडविल प्राइवेटली, तो उस केस में आपको क्या करना है? नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। उनके पर्सनल बुक्स में जो करना होगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, उस केस में इसका कोई एंट्री नहीं होगा। तो एक सोच का आपका जवाब मिल चुका। चलिए केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, राइट। अब केस नंबर 2 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पे हिज शेयर्स फॉर्म गुडविल इन कैश। कैसे देगा? कैश में देगा। देखो ना, रुपया काउंट भी कर रहा है और आपको देने की कोशिश कर रहा है। अब इस केस में क्या सिचुएशन अराइज होगा, कैसे जर्नल एंट्री होगा, उसको एक बार फटाफट हम दिखाने का कोशिश करते हैं आपको, राइट। तो आप देखिए, इस केस में हमारे सामने तो सिचुएशन निकल के आ रहा है कि अगर फॉर्म का वो गुडविल लेके आ रहा है, शेयर्स का गुडविल वो नगद में लेके आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो 4 स्टेप में आपको काम करने हैं। चारों स्टेप को हम एक वन बाय वन हम डिस्कस कर देते हैं। क्या कह रहा है? 4 स्टेप में से पहला है राइट ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि पुराना जो बुक्स में अगर पहले से कोई गुडविल है तो उसको आपको राइट ऑफ करना है। किसको राइट ऑफ करोगे? तो जाहिर सी बात है ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और रेशियो क्या रहेगा हमारा? ओल्ड प्रॉफिट। यानी कि पुराना ये गुडविल है तो पुराने गुडविल को पुराने पार्टनर में ही बांट के खत्म कर देंगे। दूसरा काम करना होगा हमको, रिसीट द अमाउंट ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। तो जो भी पैसा पार्टनर लेके आएगा उसमें से 2 हिस्से रहेंगे, एक तो वो अपने कैपिटल का हिस्सा लेके आएगा और दूसरा गुडविल का हिस्सा लेके आएगा। तो दोनों तो लेके आएगा, या तो कैश में या बैंक में, राइट। तो कैश एंड बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल का भी हिस्सा प्लस शेयर ऑफ गुडविल बोथ, राइट। क्रेडिट क्या करोगे? इनकमिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो उसका कैपिटल का हिस्सा है वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो गुडविल का पैसा है उसके लिए एक नया लेजर खुलेगा जिसका नाम रहेगा प्रीमियम अकाउंट, राइट। प्रीमियम अकाउंट जो कि बिलोंग करेगा शेयर ऑफ गुडविल का पैसा, राइट। पैसा लेके वो आ गया। अब कह रहा है गिव क्रेडिट, स्टेप नंबर 3, गिव क्रेडिट फॉर इनकमिंग पार्टनर फुल शेयर ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऑब्वियसली बात है, जो पार्टनर इनकमिंग है, जो एंटर्ड हो रहा है, वो शेयर को गेन कर रहा है, तो उसके गेन वाले पोर्शन से जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सा? ये प्रीमियम वाला पैसा। तो क्या करेंगे? प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, यहाँ जो आपने क्रेडिट किया था इसको उठा के आप डेबिट कर देना, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट कर देंगे। रेशियो क्या रहेगा? ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, डन। एंड अगर कहता है क्वेश्चन कि जो गुडविल में हिस्सा पुराने पार्टनरों का मिला है, अगर उसमें से कुछ पैसा वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल जर्नल एंट्री है, जो भी पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो केस नंबर 2 ये सीन रहा। तो केस नंबर 1 में हमने क्या देखा? गुडविल का जो शेयर है वो प्राइवेटली करता है तो कोई एंट्री नहीं, अगर वो कैश में लेके आता है तो ये वाला एंट्री होगा।
ऐसा भी सिचुएशन आता है कभी कभी कि आप देखिए आपके सामने पिक्चर भी दिख रहा है कि मशीन वगैरह है, कभी कभी ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है कि पार्टनर जो है वो क्या करे, पैसा या कैपिटल या गुडविल जो भी हो वो नगद में लेके नहीं आता है, मतलब कैश लेके नहीं आएगा, उसके पास कोई सामान हो, जैसे बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, वाट एवर जो भी एसेट्स लेके आए, यानी कि काइंड में लेके आए, तो उस केस में क्या होगा। केस नंबर थ्री उसी को बिलोंग करता है, ध्यान से देखिए, कह रहा है केस नंबर थ्री कह रहा है, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पे हिज शेयर ऑफ फॉर्म गुडविल इन काइंड, काइंड का मतलब सामान लेके आ रहा है, पैसा नगद नहीं लेके आ रहा है, यहाँ पे कैश वर्ड नहीं यूज किया है, राइट, यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, सामान लेके आ रहा है, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए मशीन ही लेके आ रहा है ना, पार्टनर को एंटर्ड ही करते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो मान लेते हैं मिस्टर डी पार्टनर एंटर्ड हो रहा है, उसके पास एक बड़ा अच्छा नया टेक्नोलॉजी का मशीन है, तो क्या होता है वो मशीन को ही लेके आ जाता है, तो ऑब्वियसली बात है वो लेके आ सकता है। चलिए उस केस में क्या अपने पास जो जर्नल एंट्री रहेगा वो देखिए, बाकी स्टेप वन और स्टेप टू जो पीछे किया था वो सेम टू सेम एज इट इज होगा, अगर पुराना कोई गुडविल होगा तो उसको राइट ऑफ करेंगे हम। अभी हम फोकस कर रहे हैं आपका जो भी एसेट्स वो लेके आ रहा है, रिकॉर्ड एसेट्स ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर, जो भी एसेट्स लेके आएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, तो जो भी एसेट्स लेके आएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअल नेम से आप लिखोगे, जैसे मशीन लेके आता है तो मशीन, स्टॉक लेके आता है तो स्टॉक, जो भी नाम होगा उसको नाम से आप डेबिट करोगे, राइट, जितना अमाउंट का होगा वो कैपिटल के बराबर और शेयर ऑफ गुडविल के बराबर। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उसका कैपिटल आपने डिसाइड किया वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और ऑब्वियसली बात है गुडविल को हम प्रीमियम के नाम से क्रेडिट कर रहे हैं तो प्रीमियम अकाउंट ले लेंगे, राइट। चलिए, गिव द इनकमिंग पार्टनर फुल शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एज इट इज सेम टू सेम है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ये भी आपको काम करने हैं। तो तीन केस हमने डिस्कस कर लिया आपसे, और भी दो केस और बन सकते हैं, उसको ध्यान से देखिए एक बार, वो केस क्या कहते हैं। सिंपल सा बात है, ऐसा भी वो हो सकता है कि हमारे पास केस नंबर फोर में व्हेन द इनकमिंग पार्टनर डज नॉट पे हिज शेयर ऑफ फॉर्म गुड इन कैश और काइंड, कुछ भी हो उसने पैसा ही नहीं दिया, केवल कैपिटल का पैसा लेके आया, यानी कि 1,00,000 रुपया वो लेके आया कैपिटल के लिए, तो गुडविल में हिस्सा क्या वो नहीं देगा, ऑब्वियसली देगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस केस में कुछ और करना नहीं है, जो वो कैपिटल का पैसा लेके आएगा उसी में से गुडविल का पैसा हम निकाल के बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ध्यान से, स्टेप वन, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी, ये तो पुरानी बात होगी, पुराना जो गुडविल का पैसा है वो बांट दीजिए, और नए काम के लिए क्या करना है आपको, गिव द क्रेडिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स फुल शेयर ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो क्या करेंगे, इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यहाँ पे छूट गया, डिलीट हो गया है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी से ही एडजस्टमेंट कर देंगे विद शेयर ऑफ गुडविल जो भी उसका हिस्सा होता है। इस पे जैसे जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगा आपको चीजें और ज्यादा बेहतर समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल लास्ट केस और केस नंबर 5, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर डिफरेंट सिचुएशन में केस नंबर है 5, व्हेन द इनकमिंग पार्टनर पे इन ओनली पार्ट ऑफ हिज शेयर फ्रॉम गुडविल इन कैश और काइंड, जो भी है, मतलब उसका गुडविल में हिस्सा बनता है 1,00,000, उसने 60,000 तो रुपया दिया, बाकी 40,000 नहीं दिया, तो 40,000 को क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाइए, उसके कैपिटल से निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, उसने नहीं करेंगे, राइट। देखिए, तो अगर कोई पुराना गुडविल है उसको आप क्या करिए, आप पुराना कोई गुडविल है तो उसको आप क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, ये हम कर ही रहे स्टेप वन में। स्टेप टू, रिसीव द अमाउंट ब्रॉट इन बाई इनकमिंग पार्टनर, जितना वो पैसा लेके आता है उतना तो आप ले लो, तो कैपिटल प्लस शेयर इन गुडविल ब्रॉट इन, राइट। तो हमने एग्जांपल लिया था उसका 1,00,000 का हमारे पास गुडविल में हिस्सा था, उसमें से 60,000 लेके आया, तो 60,000 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, राइट, शेयर जो जितना वो ब्रॉट इन लेके आया। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये कहता है कि आपको क्या करना है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दीजिए जितना वो लेके आया है, यहाँ पे जो क्रेडिट किया हो ना उसको आप डेबिट कर दो, राइट, विथ शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन। उसके बाद
जो आपने केस नंबर फोर में किया है ना वो हाइब्रिड हो गया इसका, केस नंबर फोर वाला को एज इट इज कर लो। तो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद अनपेड शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि हमारे एग्जांपल में कितना था 40,000 और ये कितना था 60,000। तो कैसे भी पैसे तो लेने ही है उससे। अब वो पैसा लेके आता है तो ठीक है, नहीं लेके आता है तो उसके कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो विड्रॉल करता है वो विड्रॉ कर लेगा, राइट। तो ये पांच सिचुएशंस है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जांपल मिलेंगे बुक में, वो करना होगा। और मे बी पॉसिबिलिटी है इसको आपको रिपीट करके दो से तीन बार देखना होगा। अब हम लोग को तो याद है तो एक बार में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा पॉइंट इसमें बहुत सारा समझ में नहीं आया हो, तो काफी मैंने मेहनत किया, पीपीटी बनाने का पर्पस भी मेरा यही था कि ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डायनेमिक फॉर्म में आपको दिखाया जाए ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाए, राइट। ठीक है जी, इस टॉपिक को हम बंद करते हैं गुडविल वाले को। इस पे जो क्वेश्चंस होगा उसको देखा जाएगा। उससे पहले एक आपका डाउट भी आया था जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट का था, उसको भी लगे हाथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी में, राइट। कोई और भी डाउट होगा तो उसको भी देख लेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं एक बार, राइट। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से। अगर बहुत इजी मैनर में आप इसको करने का कोशिश करोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा। हाँ जी, सब लोग बने हुए हैं, साउंड आ रहा है मेरा प्रॉपर, बीच बीच में कुछ भी हाँ ना एक बार बोलते रहिए। यस और नो, आर यू गेटिंग माई साउंड एंड व्यूइंग द स्क्रीन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये जान के ये क्वेश्चंस को देखते ही मुझे एक बार लगा कि ये वाला क्वेश्चंस भी एंटर्ड हो गया, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है CS CPT के एग्जाम में आया हुआ था और वहीं से इन लोगों ने कॉपी पेस्ट मारा है इधर को। अब देखिए क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक्स एंड वाई, सिंपल सा बात कह रहा है कि एक्स एंड वाई क्या कह रहा है आपके पास, सॉरी वन मिनट, एक्स एंड वाई पार्टनर है आपके पास और शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। चलिए हम यहीं पे लिखते हैं एक्स और वाई है और 5:3 में ये प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, सिंपल सा बात है, राइट। PSR इनका है। क्वेश्चन कहता है आपको कि जेड इज एडमिटेड एंड इट्स डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, किसके बारे में बोल रहा है, वाई और जेड में कैसा रहेगा, शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कह रहा है कि एक्स और वाई में जैसा रिलेशन है ना, एज इट इज सेम वाई एंड जेड में रहेगा। बड़ा खतरनाक बोल दिया, कुछ भी नहीं बोला कौन कितना लेगा नहीं लेगा। तो इसका एक तोड़ है, क्योंकि इससे भी आप कर सकते हो, इसका हम आसान तरीका बता रहे हैं, जो सिंपल वर्ड है आप समझ लीजिए। अगर एक्स और वाई का रिलेशन निकालिएगा, आप ध्यान से सोच के देखिए, एक्स का अगर 5 है और वाई का 3 है, 3 कितना परसेंटेज है 5 का, 3 कितना परसेंट है 5 का, हम कैलकुलेट करते हैं, 3/5 × 100 कितना परसेंटेज है। अगर मान लेते हैं ये 100 है तो ये कितना हो गया, सोच के देखिए, 75 हो गया, 75%. अरे 5 से 20 रहेगा 60 हो गया, 60 हो गया। अगर ये 100% है तो ये 60% है, राइट, है ना जी। अब कह रहा है क्वेश्चन, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, y and z shall be same। तो y का अगर 3 है और कह रहा है कि y x का जितना परसेंट था ना, z y का उतना ही परसेंट होगा, यही लैंग्वेज से पता चल रहा है, सिंपल सा बात है क्या, यही कह रहा है ना कि y एंड z shall be same, y और z बिल्कुल सेम रहेंगे जैसा x एंड y है, यही कह रहा है, सिंपल सा बात है। तो अगर y 3 है तो 3 का अगर हम 60% निकालें तो कितना हो जाएगा z का, 1.8, यही होगा, हाँ ना बोलो, अब बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना जी। 5 का अगर आपने 60% निकाला तो 3 आया, 5 का 60% 3, तो 3 का 60% हाउ मच, 1.8, ठीक है। अब नया रेशियो जो अगर हम बात करें x y z का, तो क्या होगा,
5:3:1.8। तो ये पॉइंट्स को तो खत्म करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, पॉइंट में रेशियो तो बना नहीं सकते, तो कितना से करें कि ये कन्वर्ट होके एब्सोल्यूट फिगर में आ जाए, राइट। तो इसको हम कितना से कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दे सब में। चलिए 5 डिवाइडेड बाई 5 1.8 × 5 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा ही करोगे ना। तो सिंपल सा बात है, अगर इसको 5 से गुना कर रहे हो, 5 गुना बढ़ा रहे हो, तो सबको 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा इक्वलाइजेशन करने के लिए, राइट। तो इसको 5 से करोगे तो ये होगा 25, 15, और बिकॉज 1.8 × 5 = 9। तो ये जो रेशियो बन के आएगा, इनका नया रेशियो वो बन के आएगा 25, 15 और 9। आप चेक कर लीजिए, 25 का 60% 60% 15 होगा और 15 का 60% 9 होगा। क्लियर, तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया या अभी भी बाउंस कर गया? तो सिंपल सा ऐसे ही करके भी कर सकते, ये वाला भी कोई खराब नहीं समझाया है, ये भी तो ऐसे ही बता रहा है कि 5:3 है, यानी कि 5:8 और 3:8 है। तो वाई, इफ द रेशियो ऑफ वाई इज 5 देन रेशियो ऑफ जेड शुड बी 3, है ना, यही है ना। तो 3/8 ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कर रहा है, लेकिन सिंपल सा बात है, अगर हम ये वाला भी कॉन्सेप्ट अगर निकाल लें तो बता बात समझ में आ जाती है। तो कैसे भी क्वेश्चन को समझना है, आप टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब ओल्ड और न्यू निकल गया तो गेन सेक्रीफाइस तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है जी, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? नो सर। साक्षी, आपके पास कोई क्वेश्चन डाउट? नहीं है। चलिए, तो कल है आपका संडे, आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, और प्लीज रिक्वेस्ट है, ये वाला वीडियो जो गुडविल वाला था, आपके पास नोट्स भी है, मैंने ऐप पे डाला हुआ है टीचमेंट पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम उसी नोट्स को मैंने पीपीटी बना दिया हुआ है, इसको एक बार देखिएगा, और इसके ऊपर अगर समय मिलता है पीएसआर को एडजस्ट करने के बाद जो क्वेश्चन खत्म होता है, तो 1-2 क्वेश्चन करने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं फिर भी समझ में आता है तो मंडे वाले क्लास में हम दोबारा से इस पीपीटी को डिस्कस कर देंगे, और साथ ही साथ उसी टाइम एग्जांपल भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है, हो जाएगा इतना से, ठीक है जी। चलिए, तो आज हमने काफी मेहनत लगाया हुआ था और गुडविल के कॉन्सेप्ट को भी समझा, और एक अच्छा क्वेश्चन आपका जो बन रहा था वो वाला भी हमने देखना समझने का कोशिश किया, ठीक है। एंजॉय करिए, आप क्वेश्चन को खत्म करिए, अगर पीएसआर वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट बचता है तो उसको भी फटाफट कर लीजिए, और साथ साथ गुडविल का भी 2-3 क्वेश्चन आप पक्का करिएगा। आपके बुक में जो अवेलेबल क्वेश्चन है वो हर केस का अलग अलग केस वाइज करके दिया हुआ, मैंने क्या किया एक बार में ही समरी करके आपको सारे केस को आपको सामने डिस्कस कर दिए, ठीक है जी। एंड करें क्लास को आज के लिए, इतना ही। चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।